विद द फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर नेमिंग, ठीक है। तो अभी जैसे समझ लीजिए अल्कोहल्स है, ठीक है। अल्कोहल्स में जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1OH, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, CnH2n+1OH। ओके, अभी देखो यहाँ पे जैसे हमारा इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा और हम देखेंगे इसकी नेमिंग कैसे होती है, ठीक है। इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, CH3OH, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, हमारा कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम हमारा मिथाइल अल्कोहल है। और IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, IUPAC नेम में हमारा ये जो OL है ये सफिक्स होके आएगा, ठीक है, दिस OL विल बी अ सफिक्स। तो ये है क्या, मीथेन, राइट, मीथेन यहां तक आएगा, E को आप रिप्लेस कर देंगे, जो मीथेन में E लगता था उसको आप रिप्लेस करके यू विल, तो ये E रिप्लेस हो जाएगा एंड इन दैट प्लेस वी विल हैव मीथेनॉल। समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो जैसे ये C2H5OH है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर आप कॉमन नेम लेंगे तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, वेरस इन दिस वन दिस विल बी इथेन, होना चाहिए था E के प्रेस हो गया इथेनॉल, ठीक है। C3H7OH, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल, आपका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ये प्लेस हो जाएगा और ये ऑल लग गया, ठीक है, सो प्रोपेनॉल हो गया। सो ऑल दीज आर बेसिकली IUPAC नेम्स ऑफ अल्कोहल्स। IUPAC नेम्स ऑफ अल्कोहल्स विल बी व्हेन यू आर रिप्लेसिंग द ई बाय अन ओएल सफिक्स, ई को आप ओएल सफिक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। We'll move on to aldehydes, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे aldehydes में, alcohols में कोई problem नहीं, आप CH3 से चालू कर रहे हैं। Aldehyde में आपका functional group क्या है? तो यहाँ पे CnH2n+1 और ये होगा CHO, ठीक है? समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भाई अगर जब आपने alcohols की naming चालू की थी तो यहाँ पे C1 पकड़ा तो ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप C1 पकड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C1H3CHO, लेकिन उससे पहले भी कुछ बन सकता है क्या, मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे यू स्टार्टेड विद C1, सो ऑब्वियसली दिस वन बिकम्स 3 C1H3OH, हियर यू आर स्टार्टिंग विद C1H3CHO, यस डेफिनेटली यू कैन फॉर्म द कंपाउंड, बट इज इट समथिंग दैट यू कैन फॉर्म बिफोर दैट, बिफोर दैट इज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक C ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, देयर इज ऑलरेडी अ C व्हिच इज अवेलेबल हियर, इस C को आप काउंट करेंगे IUPAC नेम में, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन स्टार्ट विद समथिंग बिफोर। तो अगर हमने यहाँ पे N को 0 मान लिया, वी आर यहाँ पे हमारे पास N को ऑप्शन नहीं है 0 मानने का, क्योंकि यहाँ पे फिर बचेगा क्या, C तो चला गया, बचेगा क्या यहाँ पे H का 2 × 0 और 1, तो ये हो जाएगा HOH व्हिच इज बेसिकली H2O, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि कार्बन ही नहीं बचता है उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है H को 0, यहाँ पे N को 0 लेने का, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है N को 0 लेने का, लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन है N को 0 लेने का, क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन तो बन रहा है, मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन रहा है, ठीक है। सो वी कैन टेक N हेयर 0, वी कैन नॉट टेक N हेयर एज 0 बिकॉज वी विल नॉट बी लेफ्ट विद एनी कार्बन एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम N को 0 लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे 2 × 0 = 0 + 1, तो ये हो गया HCHO, hence this is our first member of aldehyde group, ठीक है। आप बोलेंगे कि CH3CHO क्यों नहीं होगा, जैसे हमारा मिथाइल ग्रुप में हो रहा है इन alcohols, why is that not considered, क्योंकि हम यहाँ पे एक कार्बन को ऑलरेडी गिन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको 0 ले लिया है, समझ में आ रहा है ये। तो HCHO, this is named as, अगर इसका कॉमन नेम हम देखेंगे सो दिस विल बी फॉर्मल डिहाइड, ठीक है, और इसी का अगर हम IUPAC नेम देंगे तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड, ये AL जो है ये सफिक्स में आता है, तो आपका यहाँ पे E के जगह पे आपने OL लगाया था, यहाँ पे E के जगह पे आप क्या लगाएंगे, AL, ठीक है, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई फॉर्मल डिहाइड है, तो दिस इज मीथेन, ये E आपका उड़ जाएगा and this will be replaced by methanol, clear, okay। अभी next member इसका क्या हो जाएगा, अभी आप डालेंगे C1, तो CH3CHO, generally लोग इसको methyl aldehyde लिख देते हैं या methanol लिख देते हैं, which is wrong, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप दो carbon atoms को count करेंगे, ठीक है। इसका common name क्या हो जाएगा, acetaldehyde, ठीक
ठीक है, और इसी को आप जब इसमें प्रेजेंट करेंगे दिस विल बी इथेन अल, ठीक है। तो यहां पे देखिए C2H5CHO, क्या बोलेंगे इसको हम, तीन कार्बन एटम्स हो गए, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन प्रोपाइल डिहाइड, ठीक है। इसको हम आयुपैक नेम में क्या बोलेंगे, प्रोपेन अल, ठीक है, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू, उसके बाद क्या आता है भाई, कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या डिफरेंस है इसको याद रखिए, ठीक है। एल्डिहाइड्स में आपका एक H है और एक O है, ठीक है। सो आपका ये जो C, ये डबल बॉन्ड और ये H, ये आपका एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कीटोन में दोनों अल्काइल ग्रुप्स होंगे R और R डैश, R और R डैश मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये R और R भी हो सकता है, दोनों अल्काइल ग्रुप्स हो वैसा भी हो सकता है, R और R एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O, ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ पे R और R डैश भी हो सकता है कीटोन ग्रुप में, ठीक है। सो कीटोन ग्रुप में आपका यहाँ पे H नहीं होगा, none of these R's are going to be H at all, ठीक है। One has to be R, the other one also has to be an alkyl group. तो जैसे समझ लीजिए यहाँ पे CH3C2H5, ये आपका एक कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, CH3C2H5 C double bond O, ये एक अल्काइल ग्रुप हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, आयुपैक्नोम, हमको सिर्फ आयुपैक नेम ही चाहिए। कितने कार्बन एटम्स हैं भाई, कार्बन एटम्स गिनिए ना, 1 2 3 4, फोर हो गया राइट, फोर कार्बन एटम्स का ग्रुप वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, और ये जो ई है आपका ये अभी रिप्लेस होगा कीटोन के, कीटोन के ओ एन ई से, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा अभी ब्यूटेनो, यही बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका अगर आप, ये तो हो गया आपका आयुपैक नेम, इसका अगर आप कॉमन नेम देखेंगे, कॉमन नेम विल बी समथिंग लाइक दिस, हम दोनों अल्काइल ग्रुप्स को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इथाइल मिथाइल एसीटोन, ठीक है, हम कीटोन को एसीटोन, इथाइल मिथाइल, सॉरी इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन बोलेंगे इसको, ठीक है, समझ में आ रही है, ओके। तो जैसे अगर यहाँ पे आपका CH3 और C डबल बॉन्ड होगा था, आयुपैक नेम बताइए इसका क्या हो जाएगा, कितने कार्बन एटम्स, सिंपल गिनिए ना, तीन, तो क्या हो जाएगा, रूट वर्ड आपका हो गया प्रो, ठीक है, प्रो पेन, कोई डबल बॉन्ड है क्या, है ना भाई, कार्बन और ऑक्सीजन में, तो कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से कोई कुछ इश्यू नहीं होगा, ठीक है, आपका कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रोपेन होना चाहिए, ये ई कैंसिल हो जाएगा, प्रोपेन ऑन, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर, ठीक है। और अगर आप इसको इसमें लिखना चाहें तो कॉमन नेम में या टेंशन मत लीजिए, डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है, ओके। सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट एल्डिहाइड्स, सिर्फ इतना याद रखिए कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एक फर्क है कि आपका एल्डिहाइड में एक जो ग्रुप रहेगा, देखिए यहाँ पे भी कार्बन दो चीजों से बॉन्डेड हो रहा है, एक H से, एक R से, और ये डबल बॉन्ड, कीटोन में भी देखिए यही हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे H नहीं रहेगा, यहाँ पे R डैश रहेगा या R रहेगा, दोनों R हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे H नहीं रहेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर में ये एक बेसिक डिफरेंस रहेगा, ठीक है, ओके। तो कीटोन का फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा बताइए, कीटोन का फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, ये जो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया इससे ही आपका फर्स्ट मेंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कीटोन ले रहे हैं, ये R और ये R डैश, ये कीटोन ग्रुप का फॉर्मूला है, ठीक है, आप यहाँ पे H नहीं ला सकते, तो आपको जो लोएस्ट रहेगा वो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप अगर आप ले रहे हैं CH3 और ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड हो गया, क्लियर, ये समझ में आ रहा है, इससे लो तो आप जा नहीं सकते, यहाँ पे H नहीं ले सकते आप, तो आपको मिथाइल ग्रुप ही लेना पड़ेगा, तो ये CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो गया, ये कौन सा हो गया भाई, नहीं आपका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, प्रोपे ए नॉन, ये आपका लोएस्ट ग्रुप, इससे लो में आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, लेकिन आप इसमें जा सकते हैं, इसमें
एल्डिहाइड में, देखिए एल्डिहाइड में आप एक कार्बन एटम, तो आपका कीटोन का जो लोएस्ट ग्रुप होगा वो तीन कार्बन एटम का होगा, उससे नीचे नहीं आ सकते आप, ठीक है। तीन कार्बन एटम आपका लोएस्ट ग्रुप का बनेगा, तो यू विल स्टार्ट विद प्रोपेनॉल। जबकि एल्डिहाइड में एक कार्बन एटम से भी आप कंपाउंड को भी बना सकते हैं, एच सी एच ओ बन गया ये, ठीक है। दिस इज व्हाट मीथेन, मीथेन, ठीक है, समझ में आ रहा है। आर दिस डिफरेंसेस क्लियर, ठीक है, ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे आते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली कौन सा ग्रुप होता है, सी ओ ओ एच, ठीक है, तो ये आर सी ओ एच होता है, ये आर कैसा हो गया भाई, आर सी, ये डबल बॉन्ड ओ और ये हो जाएगा ओ एच, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा तो आर सी ओ एच है, तो क्या हम इसको एच ले सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है हमारी, हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कीटोन में लिमिटेशन थी, आपको दोनों एल्काइल ग्रुप लेना है, आप एक को एच नहीं ले सकते, फिर वो एल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, वी कैन इजीली टेक इट, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे समझ लीजिए एच लिया, एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो जाएगा ओ एच, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस नोन एज, दिस विल बी नोन एज मीथेन। ये ई को हम रिप्लेस करेंगे किससे, ओइक एसिड, ठीक है, तो ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, समझ में आ रहा है। इसका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस सी एच ओ, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये जो चीटियाँ होती हैं ना, कभी कभी आपको अगर काट ले तो बहुत पेन होता है, ठीक है, द रीजन वाई यू गेट दैट पेन इज बिकॉज दे एक्चुअली, वो जो लाल चीटी होती है, क्योंकि वो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होती है, वो आपके अंदर जाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपका इन्फ्लेमेशन होता है उस जगह पे, थोड़ा सा आपका पेन होएगा, यू विल फील पेन फॉर सम टाइम। तो अगर आपको ऐसा जलन हो रहा है उस चीज़ से, तो आप क्या करेंगे, ये एक टाइप का एसिड है, ऑल दो इट इज़ अ वेरी वीक एसिड। अगर घर में बेकिंग सोडा रहेगा, इफ़ यू हैव बेकिंग सोडा एट होम, देन उसके ऊपर आप थोड़ा सा उसको मल दीजिए, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बेकिंग सोडा इज बेसिकली बेस, राइट, NaSCO3, ये क्या है, ये एक बेस है, और ये क्या है, एक एसिड है, ठीक है। बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये बना देगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो यू कैन एक्चुअली अप्लाई देयर एंड गेट इट ऑफ द पेन, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। सो दिस इज नोन एज द मिथेनोइक एसिड, आपका जो कॉमन नेम है, दिस इज बेसिकली कॉमन नेम, ठीक है। इसका दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा बताइए, CH3CHO, ठीक है, विच इज वॉट, इसका नाम क्या हो जाएगा, नहीं, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड, और इसका जो कॉमन नेम है वो होगा एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड भी हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, ये इथेनोइक एसिड है, CH3COOH, हम जो घर में विनेगर यूज करते हैं, ठीक है, दिस इज बेसिकली द सेम, ये विनेगर है बेसिकली, सो विनेगर दैट इज यूज्ड इन आवर होम्स। ये जो एसिड्स होते हैं ये बहुत ही वीक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वेरी वीक एसिड्स, ठीक है। ये हम अगर आप बोलेंगे भाई एसिड्स को तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे आपका HCl हो गया, HNO3 हो गया, या आपका H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे जितने भी एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यू कैन नॉट कंज्यूम देम, ठीक है, बट दीज आर वीक एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ज़्यादा करके वीक एसिड्स होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या हो जाएगा, COOH, पहला मेंबर हो गया आपका HCOH, विच इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एंड इट्स नेम इज IUPAC नेम इज मिथेनोइक एसिड। तो हम इस E को रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड से, ठीक है। दूसरा मेंबर हो जाएगा CH3COH, विच इज बेसिकली एसिटिक एसिड, इसको हम विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी कॉमनली यूज इन मेकिंग फूड्स एंड ऑल, ठीक है, ये एसिटिक एसिड होता है, और इसका जो IUPAC नेम है दैट इज इथेनोइक एसिड, ठीक है। सिमिलरली अगर हम C2H5COOH पे गए तो ये क्या हो जाएगा भाई, कौन सा, थ्री, ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन को आप काउंट करेंगे, ठीक है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, क्लियर,
समझ में आ रहा है ये?